हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड करने के लिए हम पहले जो डेसिमल पॉइंट है उसको इग्नोर करेंगे और नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5, 6 आर 30, 0 कैरी 3, 10, 13। आप दोस्तों यहाँ पर गिनेंगे, यहाँ पर एक डिजिट, यहाँ पर एक डिजिट, टोटल दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम दो डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1, 2। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 1.30। दो नंबर सवाल दोस्तों, 4.2, 2.1। सेम दोस्तों, पहले हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, 4, 4, 8, 2, 8, 8। दोस्तों, यहां पर देखिए एक डिजिट, यहां पर एक डिजिट, टोटल दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम दो डिजिट के बाद पॉइंट बैठेंगे, 1, 2। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 8.82। तीन नंबर सवाल दोस्तों, 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। दोस्तों, हम पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाता 5, 2, 1। अब दोस्तों, इधर जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है लेफ्ट साइड जीरो का। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1, 2 डिजिट, यहाँ पर 1, 2, 3 डिजिट, टोटल पांच डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पांच डिजिट के बाद पॉइंट बैठेंगे, 1, 2, 3। दोस्तों, यहाँ पर तीन ही डिजिट है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा के दो डिजिट बना लेंगे, तो पांच डिजिट के बाद पॉइंट है और इसको पढ़ने अच्छे के लिए हम एक जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 0.00125। चार नंबर सवाल दोस्तों, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.05। दोस्तों, सेम नियम, हम पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 25। आर दोस्तों, इधर लेफ्ट साइड सिर्फ जीरो है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों गिनेंगे, 1, 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोस्तों यहाँ पर 1, 2 डिजिट ही मेरा पास है, तो हम 2 जीरो लगा के 4 डिजिट बना लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट देंगे, अब पढ़ने अच्छे के लिए 1 जीरो पहले लगा देंगे। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 0.0025। अब दोस्तों, पांच नंबर सवाल, 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 300। दोस्तों, सेम नियम, हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 5, carry 1, अब दोस्तों इसको ऐड करेंगे 0, 0, 5, 2, 5। दोस्तों, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम दो डिजिट के बाद पॉइंट बैठेंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको कट देंगे। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 525। छः नंबर सवाल दोस्तों, 6.45 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। दोस्तों, सेम नियम, पॉइंट को इग्नोर करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 5 carry 2, 22, carry 2, 32, 10, 9, 12, 5, 4, 6, 5, 2, carry 1, 0, 8। दोस्तों, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 8.0625। सात नंबर सवाल दोस्तों, 2.88 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। दोस्तों, सेम नियम है, हम पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 2 are 16, carry 1, 16, 17, 7, carry 1, 5,
फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री फोर, टू सिक्स कैरी टू एट, सिक्स टू नाइन। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक दो डिजिट या नीचे एक डिजिट, तीन डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक दो तीन डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो दोस्तों मेरा आंसर हुआ 9.216। आठ नंबर सवाल दोस्तों 7.65 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो दोस्तों 5 है 25 कैरी 2, 32 2 कैरी 3 38। दोस्तों यहां पर एक दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो दोस्तों हम एक दो डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो दोस्तों मेरा आंसर हुआ 38.25। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।